This is the fourth video on environment and ecology series, and this is on biosphere reserves. This particular topic is very important for prelims, very much important. और roughly आप ये मान के चल सकते हैं कि हर साल roughly एक ना एक सवाल directly और indirectly biosphere reserves पे होता ही है. या तो direct सवाल होगा या फिर maybe उसमें दो तीन aspect होंगे, कुछ national park का concept होगा या फिर कुछ मैस द कॉलम्स होगा, कुछ उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे, कुछ नेशनल पार्क्स होंगे, कुछ टाइगर रिजर्व्स होंगे. तो डेफिनेटली एक ना एक सवाल में आपको हेल्प मिलनी ही मिलनी है इफ यू नो ऑल दोज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. और इससे पहले मैं एक वीडियो टाइगर रिजर्व्स पे बना चुका हूँ. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट पर्टिकुलर वीडियो, डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज टाइगर रिजर्व्स, द 50 टाइगर रिजर्व्स, दे आर ऑल आर इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल बी एक्सपेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम टाइगर रिजर्व्स एंड वन फ्रॉम बायोस्फीयर रिजर्व्स इन प्रीलिम्स ऑन एन एवरेज. हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन ऑन एन एवरेज ये मान के चल सकते हैं कि एक सवाल दोनों ही टॉपिक पे होगा ही होगा. So this is about me. My name is Anshuman and I passed out of IIT Delhi in Engineering Physics. I got All India Rank 356 in CSE 2018 and All India Rank 11 in IFOS 2018. And I have scored more than 130 marks in prelims in the last three prelims that I have given. That is 17, 18, 19. So kahani puri biosphere reserves ki start hoti hai 1971 mein. 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इंडिया भी पार्ट है. और इस प्रोग्राम के तहत वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट किए जाते हैं. और डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, वेरियस नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो फिर इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करती है. So MAB is an intergovernmental scientific program aiming to set a scientific basis for the improvement of relationship between the people and the environment globally. So this is also one of the important aspect for sustainable development. I told you it has started in 1971 and it is the agenda of UNESCO. Ye UNESCO yahan pe kafi important hai. Aur is program ke tahat India ke abhi tak total 11 biosphere reserves. India mein total 18 biosphere reserves hai. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली डिमार्केट किए गए हैं. और उस 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स इस प्रोग्राम के तहत आता है. और उस 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. सो वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद वो देख लेंगे कि बेसिकली उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन से वो 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इस प्रोग्राम के तहत आते हैं. तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं. दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व्स इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क्स कवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर होती है, कम्युनिटी रिजर्व्स कवर होते हैं और कंजर्वेशन रिजर्व्स कवर होते हैं. बट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट स्टैट्यूटरी बाय नेचर. दे आर नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ. दिस इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लॉ. दिस इज नॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो यहां पर एक ट्रैप सेट किया जा सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर preserved and conserved under Wildlife Protection Act of 1972, जो कि स्टेटमेंट गलत होगा. और डेफिनेटली डिफरेंसेस होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में. इस पर्टिकुलर डिफरेंसेस को मैं कवर करूंगा जब मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वीडियो बना रहूंगा. एक स्पेशल वीडियो मैं लॉन्च करूंगा ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिकॉज दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. और जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स हैं, बीट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और बीट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. और सारे एक्ट्स के ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा ही डालूंगा. मे बी एक वीडियो में कुछ एक्ट्स को कवर कर लूँ और जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं लाइक दिस पर्टिकुलर एक्ट, उसको मैं एक वीडियो में डिक्टेट करूंगा. और ये जो डिफरेंसेस है वो उसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो फिर कुछ इस एक्ट्स का कंसेप्ट भी उसमें रिक्वायर्ड होगा. तो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. ये 1986 में लॉन्च किया गया था. और रफली इसका जो थीम है, रफली ऑन द लाइंस ऑफ मैब प्रोग्राम है, दैट इज द मैन ऑन बायोस्फीयर प्रोग्राम. और जो लैंग्वेज जो लिखी गई है इस प्रोग्राम के तहत, जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, वो है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिवाइस मींस ऑफ इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स थ्रू सस्टेनेबल यूज. तो अब कुछ क्राइटेरिया है, बेसिकली कुछ प्राइमरी क्राइटेरिया और सेकेंडरी क्राइटेरिया है रिगार्डिंग
हाउ टू डिमार्केट बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना पता होना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी क्राइटेरिया जो इस साइट मस्ट कंटेन एंड इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड शुड इंक्लूड एडिशनल लैंड एंड वाटर सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। और सेकंड प्राइमरी क्राइटेरिया है द कोर एरिया शुड बी टिपिकल ऑफ अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड लार्ज इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशंस रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिकल लेवल्स इन इकोसिस्टम। और जो सेकेंडरी क्राइटेरिया है वो तीन क्राइटेरियाज हैं, दैट इज एरियाज हैविंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल नीलगिरी में लाइन टेल्ड मैकाक है जो इंडेंजर्ड है और काफ़ी इंडेमिक है उस एरिया में और रेयर भी है। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज एरियाज हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल एंड माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इंडिजिनस वैराइटीज ऑफ बायोटा। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हारमोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट। बस इस दोनों क्राइटेरिया को प्राइमरी और सेकेंडरी के बार गो थ्रू कर लेना है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें सवाल नहीं आएगा लेकिन हाँ कंप्रेहेंसिव वे में इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने कवर कर दिया। अब इसमें तीन जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। सबसे अंदर वाला जोन होता है कोर जोन, उसके बाद होता है बफर जोन और सबसे लास्ट में होता है ट्रांजिशन जोन। कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। नेशनल पार्क में केवल दो ही जोन्स होते हैं, कोर जोन और बफर जोन। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में तीन जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कोई ऐसा जोन का कंसेप्ट नहीं होता है, ना ही कंजर्वेशन रिजर्व्स में होता है, ना ही कम्युनिटी रिजर्व्स में होता है, ना ही एलिफेंट रिजर्व्स में होता है, लेकिन टाइगर रिजर्व्स में जोन का कंसेप्ट होता है नेशनल पार्क जैसा ही। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में तीन जोन होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, और टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क में दो जोन होते हैं, दैट इज कोर जोन एंड बफर जोन। कोर जोन हैज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस और जनरली वहां पे एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। जनरली हर किताब में लिखा होता है कि नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई भी वहाँ विलेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं इन द कोर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन हकीकत यह है कि मैक्सिमम ऑफ द जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वहाँ पे कोर एरिया में अभी भी काफ़ी विलेजेस एसोसिएटेड अभी भी है, क्योंकि उनको वहाँ से ट्रांसफर करना दूसरे एरिया में काफ़ी टीडियस जॉब होता है। तो ऑन द ग्राउंड लेवल अभी भी नो ह्यूमन इंटरफेरेंस केवल कहने की बात होती है, लेकिन हाँ बुकिस लैंग्वेज में देर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड देर आर एंडेमिक स्पीसीज देर इन द कोर जोन। बफर जोन वो एरिया होता है जहाँ पे सेटलमेंट्स या विलेजेस तो नहीं होंगे लेकिन दे आर मेनली यूज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। और जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पे सेटलमेंट्स आपको देखेंगे, वहाँ पे आपको ट्राइबल विलेजेस आपको मिलेंगे। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स में रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है बफर एरिया को, और वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल्स, वो ट्रांजिशन एरिया में होता है, कोर एरिया में नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, द मोस्ट फेमस इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हर बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये देखते चलेंगे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, इंपॉर्टेंट माउंटेंस है, कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, या फिर वो किस किस नेशनल पार्क से मिलके बना है और किस स्टेट्स में लाई करता है। तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने स्लाइड्स में डाल दी है, और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो नीलगिरी में वो तमिलनाडु में आता है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे दो ही स्टेट दिखाया गया लेकिन एक्चुअली वो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, ये तीनों स्टेट्स में लाई करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो तमिलनाडु में तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वन इज मुदुमलाई, सेकेंड इज मुकुर्थी एंड थर्ड इज सत्यमंगलम। ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तमिलनाडु की नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में है। कर्नाटक की दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो एंड नेशनल पार्क ऑल्सो, नागरहोल एंड बांदीपुर, और केरल में वायनाड। एंड दिस पर्टिकुलर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर लाइन टेल्ड मकैक एंड नीलगिरी तहर। लाइन टेल्ड मकैक और नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मकैक तो सिर्फ नीलगिरी में ही मिलता है, नीलगिरी तहर नीलगिरी में भी मिलता है और अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिलता है। दिस इज लाइन टेल्ड मकैक एंड दिस इज नीलगिरी तहर। तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये वेस्टर्न घाट्स में लाई करता है, और वेस्टर्न घाट्स इंडिया के 6 स्टेट में आता है, फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल टू तमिलनाडु। 2013 में डायरेक्टली एक सवाल आया था एंड दैट वाज लाइन टेल्ड मकैक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और ऑप्शंस ऐसे थे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, एक स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो आप को अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डायरेक्टली पूरा कंप्लीटली पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। लेट से आपको नहीं भी पता है तो आप एक स्टेट को आपको एलिमिनेट करना है, वो आंध्र प्रदेश ही होगा क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स केवल इन तीन स्टेट में ही पाया जाता है। तो आपको अगर लेट से कल नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व्स का लोकेशन पता है और ये नहीं पता है कि लैंड टेल मैकैक वहां पाया जाता है, तो भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड और स्मार्ट गेस वर्क से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और इनफैक्ट आपको लैंड टेल मैकैक तो पता होना ही चाहिए था, क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज और क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और ये एक पर्टिकुलर वीडियो ऑन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में जल्दी बनाऊंगा। एंड द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इज अगस्त्यमलाई, एंड अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स दो स्टेट में लाई करता है, वन इज केरल एंड सेकंड इज तमिलनाडु। ये नीलगिरी के साउथ में लाई करता है इन तमिलनाडु एंड केरल। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इसका पार्ट है, दे आर नियर पेपारा एंड सिंदूरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये केरल में है। और कलक्कद मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, और यहाँ पे सोला फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और ये नीलगिरी ताहर के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे एक फेमस ट्राइब पाया जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कनीकरन ट्राइब। ये पीवीटीजीज के अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसके ऊपर भी इस बार प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आया था। तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार एक्चुअली सी का पार्ट है, यहाँ पे लाई करता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार फेमस है कोराल रीफ्स के लिए। यहाँ पे डुगोंग भी मिलता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सी काउ। डुगोंग एक मैमल है, और डुगोंग के बारे में ऑलरेडी एक प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ चुका है। डुगोंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब स्टेट एनिमल कहना से नहीं होगा, लेकिन जो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेट एनिमल ही यूज़ किया जाता है। तो डुगोंग बे ऑफ बंगाल के काफ़ी बड़े रीजन में मिलता है, इवन यहाँ पे भी डुगोंग मिलती है। सारी कोस्ट लाइन यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट लाइन के अलॉन्ग डुगोंग मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का तो वो स्टेट एनिमल ही है। द फोर्थ इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स। ध्यान ये रखना है कि अंडमान निकोबार में टोटल 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और अंडमान भी काफ़ी फेमस है बायोडाइवर्सिटी के लिए, लेकिन अंडमान एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। और गैलाथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कैंपबेल बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज निकोबार में है, और ये दोनों इन पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व्स के पार्ट हैं। और ग्रेट निकोबार में दो फेमस ट्राइब्स मिलते हैं, वन इज निकोबारीज एंड सेकंड इज सोमपेन। आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सारे ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। अंडमान में 4 ट्राइब्स मिलते हैं, और ग्रेट निकोबार में 2 ट्राइब्स मिलते हैं। ग्रेट निकोबार के हैं निकोबारीज और सोमपेन, और अंडमान के हैं अंडमानीज, ओंजे, जारवा एंड सेंटिनलीज। और ये 6 में 5 पीवीटीजीज हैं, और निकोबारीज पीवीटीजी नहीं है। द फिफ्थ इज सेसचलम बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेसचलम बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ लाई करता है, आंध्र प्रदेश में लाई करता है, इसका कोई भी पार्ट तेलंगाना में लाई नहीं करता है। एंड ये तिरुमरा हिल्स के ऊपर है, और आसपास ही तिरुपति का टेंपल भी है, एंड इट इज़ फेमस फॉर स्लेंडर लोरिस। ये पर्टिकुलर एनिमल इंडेमिक है सेसचलम बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इंडेमिक मतलब केवल वो वहीं पाया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में लाई करता है जैसा मैंने बताया। सिक्स्थ इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में पड़ता है, इस पर्टिकुलर एरिया में, and it is named after simul tree, and this simlipal simul se aata hai word, or this simul tree is also known as the red silk cotton tree. ye ek elephant reserve bhi hai aur tiger reserve bhi hai. total aise 3 reserves hain jo elephant reserve bhi hai aur tiger reserve bhi hai. one is kaziranga, second is simlipal, and third is periyar. the seventh is sundarbans. sundarbans aapka is area mein lie karta hai, definitely kuch part iska bangladesh mein bhi lie karta hai, aur यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का माउथ आपको यहाँ मिलेगा। ये फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एट्थ इज कंचनजंगा। कंचनजंगा इस पर्टिकुलर एरिया में लाई करता है, सिक्किम में। कंचनजंगा इनफैक्ट वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक भी, आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड K2। ये सिक्किम में लाई करता है। ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने नेचुरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट डिमार्केट किए हुए हैं, और इंडिया में कुछ साइट्स कल्चरल साइट्स और नेचुरल साइट्स ऑलरेडी हैं, और डेफिनेटली आपको कल्चरल साइट्स भी देखना है, वो आप इंडियन कल्चर में कवर करेंगे। नेचुरल साइट्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दूंगा, और कुछ साइट्स होते हैं जो कल्चरल साइट भी होते हैं और नेचुरल साइट भी होते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड हेरिटेज साइट। और इंडिया का ये अकेला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ऑन द यूनेस्को लिस्ट, दैट इज कंचनजंगा। ये सिक्किम में लाई करता है।
वहां पे आपको जेमू ग्लेशियर मिलेगा। जेमू ग्लेशियर से रिलेटेड सवाल ऑलरेडी 2019 के प्रीलिम्स में आ चुका है, तो आप बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्लीटली डिटेल में कवर करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिल जाएगी। एंड लेप्चा ट्राइब कंचनजंगा में पाया जाता है, लेप्चा ट्राइब के ऊपर 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे मोनास्ट्री है थॉलुंग मोनास्ट्री, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली एक सवाल एक ही नॉलेज से नहीं बनेगा, एक ही फैक्ट से नहीं बनेगा, पर डेफिनेटली ये हेल्प कर जाता है फाइनली आपको सही आंसर निकालने में, अगर कुछ भी आपको हल्का सा भी आइडिया है। नाइन्थ इज पन्ना। मध्य प्रदेश में दो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वन इज पन्ना एंड सेकंड इज पंचमढ़ी। पन्ना के थ्रू केन रिवर पास करती है, और हाल में ही बात चल रही थी कि केन और बेतवा रिवर की इंटरलिंकिंग की जाएगी, सच दैट केन से कुछ पानी बेतवा रिवर में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बेतवा रिवर काफी वहां पे वाटर कंटेंट काफी कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि जो बुंदेलखंड रीजन है यूपी का वो काफी ड्रॉट अफेक्टेड रीजन रहता है, तो केन से कुछ पानी बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू दिस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, और जिसके चलते ये होगा कि बेसिकली अबाउट 40% to 45% ऑफ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व्स वो सबमर्ज हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक थ्रेट कॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरलिंकिंग। और ये मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया, यहाँ पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है और यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है। सो टेंथ इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये तीन नेशनल पार्क से मिलके बनता है, बोरी नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। ये सतपुरा रेंज के ऊपर है एंड इट इज फेमस फॉर जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। एक स्क्विरल है नमदफा फ्लाइंग स्क्विरल, वो नमदफा नेशनल पार्क में इंडेमिक है, केवल और केवल वहीं पाई जाती है और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन ये जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल लगभग ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं, लेकिन पंचमढ़ी में इनका कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए मैंने स्लाइड में इंक्लूड कर दिया। दिस इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। द 11th इज अचन मकार अमरकंटक। इसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में लाया करता है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में लाया करता है, अगर इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल तीन बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। ये मैकाल हिल्स के ऊपर है और अमरकंटक से तीन रिवर्स का सोर्स मिलता है हमें, एक है नर्मदा, दूसरा है जोहिला, तीसरा है सोन। दीज थ्री रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ पे लाया करता है अचन मकार अमरकंटक, कुछ पार्ट इसका मध्य प्रदेश में, कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में। द 12th इज ग्रेट रैन ऑफ कच्छ। तो मैप में देख लेते हैं, यहां पे लाई करता है ग्रेट रैन ऑफ कच्छ और नीचे लाई करता है लिटिल रैन ऑफ कच्छ। तो ग्रेट रैन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, लिटिल रैन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये गुजरात में लाई करता है, यहां पे लूनी, रूपेन और बानस रिवर आके एंड हो जाती है, और ग्रेट रैन ऑफ कच्छ में एक सिटी है डेट इज कॉल्ड फ्लैमिंगो सिटी एंड इट इज वेरी फेमस फॉर ग्रेटर फ्लैमिंगोज। इंडियन वाइल्ड एस है वो लिटिल रैन ऑफ कच्छ में मिलता है, ग्रेट रैन ऑफ कच्छ में नहीं मिलता है, ये फैक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, बिकॉज दे कैन गिव इन द प्रीलिम्स स्टेटमेंट दैट इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड इन ग्रेट रैन ऑफ कच्छ, तो नहीं, वो लिटिल रैन ऑफ कच्छ में मिलता है और ग्रेट रैन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व और लिटिल रैन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। एंड इट इज फेमस फॉर चीरबत्ती, अ स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फिनोमेना, आपको बस एज अ फैक्ट ये पता होना चाहिए। और वहीं पे एक बन्नी ग्रासलैंड भी है इसी ग्रेट रैन ऑफ कच्छ में, विच वॉज थॉट फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। और यहाँ पे चारी ढांड वेटलैंड है, नारायण सरोवर सेंचुरी है, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है, ये बस्टर्ड वही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है, रफली 150 to 200 स्पीसीज ही अब जिंदा बचे हैं। एंड देयर आर थ्री इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज दैट आर फाउंड हियर, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेटर फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन। जो तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज द कोल डिजर्ट। कोल डिजर्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लाई करता है एंड वहाँ पे एक पिन वैली नेशनल पार्क है, चंद्रताल रामसर साइट कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में ही लाई करता है। रामसर साइट्स के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ऑन वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है और यहाँ पे सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलती हैं इन द कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्नो लेपर्ड है वो रफली यहाँ पे मिलता है हिमाचल में, उत्तराखंड में मिलता है, सिक्किम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, इवन कुछ पार्ट इसका यहाँ पे जो नॉर्दर्न असम है इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे भी मिलता है। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर हैबिटेट है स्नो लेपर्ड का, और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स में काफ़ी बड़ी तादाद में स्नो लेपर्ड मिलता है। द 14th इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लाई करता है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ से ऋषि गंगा फ्लो करती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वैली ऑफ फ्लावर्स बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स से पास करती है पुष्पावती रिवर और नंदा देवी के थ्रू पास करती है ऋषि गंगा रिवर। नंदा देवी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एंड इट इज फेमस फॉर हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सेरो एंड हिमालयन ताहर।
और 15वां बायोस्फेयर रिजर्व जो है दैट इज नोक्रेक बायोस्फेयर रिजर्व, ये यहाँ पे नोक्रेक बायोस्फेयर रिजर्व है मेघालय में। मेघालय में टोटल 3 मेजर हिल्स हैं, गारो, खासी, जांतिया। आप याद कर सकते हैं जी के जे, जी फॉर गारो, के फॉर खासी एंड जे फॉर जांतिया। और गारो, खासी, जांतिया ये ट्राइब्स के ऊपर नाम रखा गया है इन हिल्स का, और ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। नोक्रेक जो है वो गारो हिल्स के ऊपर आता है, तो जो सबसे पहले लेफ्ट में जो हिल्स हैं दे आर गारो हिल्स। पहले गारो हिल्स आती है, फिर खासी हिल्स आती है, फिर जांतिया हिल्स आती है। गारो हिल्स के ऊपर मेनली जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे लाई करती है, लाइक नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व्स। खासी इज फेमस फॉर लॉट अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकॉज माइसेनराम, चेरापूंजी वो खासी हिल्स के ऊपर लाई करते हैं। और जांतिया में काफ़ी केव सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट केव है, नेचुरल केव, वो जांतिया हिल्स के ऊपर है। तो जो नोक्रेक है वो गारो हिल्स के ऊपर है, जो सबसे लेफ्ट में जो हिल है, और ये मेघालय में लाई करता है। इट इज़ फेमस फॉर रेड पांडा और अदर स्पीसीज जो वहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर हुलॉक गिबन, पिग टेल्ड मकैक, स्टम्प टेल्ड मकैक, बिंतोरोंग, क्लाउडेड लेपर्ड, एलिफेंट, लेपर्ड, गौर। यहाँ पे नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व आ गया। 16th इज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, दिस इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सियांग एंड दिबांग वैली में लाई करता है। एंड इट इज फेमस फॉर मिसमी टैकिंग, रेड गोराल, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर। रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाया जाता है। यहाँ पे दो फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलते हैं, दैट इज वन इज द मेचुका जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल एंड सेकेंड इज मिसमी हिल्स जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल दिहांग दिबांग में। और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल केवल नामदफा में ही मिलता है। एंड दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में ही माउलिंग नेशनल पार्क है इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये मिसमी हिल्स के ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स है सबसे पहले आती हैं दफला हिल्स, फिर मीरी हिल्स, फिर अबोर हिल्स, फिर मिसमी हिल्स, फिर पटकई बुम। तो दिहांग दिबांग मिसमी हिल्स के ऊपर है, और जो नामदफा नेशनल पार्क है वो मिसमी हिल्स और पटकई बुम दोनों के ऊपर है। 17th इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व। असम में मानस एक बायोस्फीयर रिजर्व है और काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। काजीरंगा के थ्रू फ्लो करती है काजीरंगा रिवर और मानस के थ्रू फ्लो करती है मानस रिवर, विच इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज इन असम, इट इज अ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ से फ्लो करती है मानस रिवर, ये वाइल्ड वाटर बुफेलो के लिए काफी फेमस है। एंड अदर स्पीसीज डेट आर फाउंड आर असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर और हिस्पिड हेयर ये तीनों काफी फेमस हैं, ये असम में ही पाई जाती हैं। सो डेफिनेटली आपको ये तीन स्पीसीज पता होनी चाहिए, डैट हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग, ये असम में पाई जाती हैं। डायरेक्टली इन पे एक सवाल यूपीएससी में प्रीलिम्स में आ सकता है बिकॉज दीज स्पीसीज आर वेरी फेमस। द 18th द लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। डिब्रू सैखोवा रफली इस जगह लाई करता है, ये इस पर्टिकुलर मैप में डिमार्केट नहीं किया गया है, इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करता है और ये असम में लाई करता है। यहाँ से फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स, और ये इट इज़ फेमस फॉर गोल्डन लंगूर एंड रेयर वाइट विंग्ड वुड डक। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो इनमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आता है, जो मैप प्रोग्राम के तहत है। उसमें अगस्त मलाई आता है, गल्फ ऑफ मन्नार आता है, नीलगिरी आता है, ग्रेट निकोबर आता है, ये चार हो गए। फिर यहाँ पे सिमलीपाल आता है, सुंदरबंस आता है, कंचनजंगा आता है और नोक्रेक आता है, तो 8 हो गए। अचनमकार अमरकंटक आता है, 9 हो गए। पंचमढ़ी आता है, 10 हो गया। और नंदा देवी आता है, 11 हो गया। तो ये 11 जो हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं, जो मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। और टोटल 18 हैं, उनमें से केवल 11 ही पार्ट है, 7 मैप प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट है, नीलगिरी, अगस्त मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबर, कंचनजंगा, नोक्रेक, सिमलीपाल, सुंदरबंस, अचनमकार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, नंदा देवी। 2019 में एक पर्टिकुलर सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, नियर पेपारा, सिंदुरनयन, कलक्कद मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व। कलक्कद मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, एंड इट इज द साउदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये आपको अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको अच्छे से किया आपने अगर किया है तो डेफिनेटली एक ना एक सवाल तो आना ही है।
या केवल डायरेक्टली बायोस्फीयर रिजर्व पे हो, या फिर मे बी दो तीन स्टेटमेंट्स हो, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होगा सही या गलत है अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंप्रेहेंसिवली कवर कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं 2019 का ये पर्टिकुलर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स काफी शिद्दत से किया है। और अब बायोस्फीयर रिजर्व्स का टॉपिक खत्म होता है। कुछ जो एसोसिएटेड टॉपिक्स है बायोडाइवर्सिटी के, लाइक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो नेचुरल साइट्स हैं उसको मैंने इस स्लाइड्स में इंक्लूड कर लिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट 1988 में नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। इन्होंने दो क्राइटेरिया रखा था, दैट द साइट शुड हैव एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स, दैट इज 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल, एंड इट शुड हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। अगर 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन में एंडेमिक है, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है दैट इट शुड हैव लॉस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट। तो ये दो क्राइटेरिया जो साइट फिक्स करता है तो उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी तक वर्ल्ड में टोटल 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए जा चुके हैं इस कंसेप्ट के दौरान। तो दो क्राइटेरिया हो गया, एक 1500 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट्स, सो इट डिनोट्स एंडेमिज्म, एंड इट शुड हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, दैट शोज दैट देयर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ थ्रेट। इंडिया में टोटल उन 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाए करते हैं, 2 कंप्लीटली लाए करते हैं, 2 पार्सली लाए करते हैं। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो इंडिया में कंप्लीटली लाए करते हैं। इंडो बर्मा और संडरलैंड 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो इंडिया में पार्सली लाए करते हैं। इंडो बर्मा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ पार्ट इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स संडरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। ये कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है। 2010 वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2010-20 इज द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय यूएन, एंड 22 मई इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। और इंडिया में टोटल अभी जो नेचुरल साइट्स हैं यूनेस्को के तहत वो टोटल हैं 7 साइट्स हैं। 1 इज काजीरंगा, 2 इज मानस, 3 इज नंदा देवी, 4 इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 5 इज सुंदरबंस, 6 इज वेस्टर्न घाट्स, एंड 7 इज कोलादियो घाना नेशनल पार्क। तो आपको ये 7 एरियाज याद होने चाहिए, दैट दीज आर द नेचुरल साइट्स अंडर यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कल्चरल साइट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल टेंपल्स, और कुछ नेचुरल साइट्स होते हैं लाइक द बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स। तो ये 7 एरियाज दे आर द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को इन इंडिया। और कंचनजंगा भी है, वो मिक्स्ड है, तो वो नेचुरल भी है कल्चरल भी है। और जो कल्चरल साइट्स है डेफिनेटली आप वो इंडियन कल्चर में कवर करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना एक पे सवाल आता ही आता है लाइक अजंता केव्स, एलोरा केव्स। तो 2018 के मेंस में एक पर्टिकुलर सवाल आया था दैट हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया एंड हाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये एक्ट को तो मैं डिटेल में कवर करूंगा जब सारे मैं एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स से रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा। तो जो इसका पहला पार्ट है हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया, तो इसमें आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कि आपको कुछ साइट्स का एग्जांपल याद है, या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन है वो आपको पता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पता है, लेट्स से उसके अलावा भी एलिफेंट रिजर्व्स या टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, तो इन सब का नाम आपको वहां पे डालना होगा। और साथ में आपको ये भी बताना होगा, कुछ एग्जांपल्स भी देना होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में आप इंडिया का मैप बना सकते हो और ये दिखा सकते हो कि जैसे ही ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट से मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर डिनोट करोगे मैप पे चारों, फॉर एग्जांपल द संडरलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, या फिर इंडो बर्मा रीजन में कुछ नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए, ईस्टर्न हिमालयस हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट को आंसर कर सकते हो। और सेकंड पार्ट डेफिनेटली इस रिलेटेड तो मैं डायरेक्टली वीडियो ही बनाऊंगा ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।